हे गाइस, तो आज की वीडियो है एक्सेल पर। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एक्सेल में फ्लैश फिल फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हो और उस फीचर को कहाँ आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपका पूरा वर्कलोड हो जाए कम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट आप देख सकते हो मैंने यहाँ रैंडम डाटा प्लेस करा है समझाने के लिए कि फ्लैश फिल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ नेम्स में नेम्स लिख रखे हैं कुछ, और हमें इन नेम्स को अलग करना है, मतलब फर्स्ट नेम में सुमित और लास्ट नेम में कुमार। अब ये तो लिमिटेड डाटा है, आप इसे बाय हैंड भी कर सकते हो, बट अगर आपके सामने 5000 10000 डाटा हुआ तो आप उसे अगर हैंड से करने लगे तो बस हो गया आपका काम। तो इसलिए हमें फ्लैश फिल की ज़रूरत पड़ती है जिससे एक्सेल अपने आप ही डाटा प्लेस कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, फर्स्ट हम नाम यहाँ लिखेंगे सुमित। पहले तो आपको बाय हैंड लिखना ही पड़ेगा सुमित। जैसे ही आपने सुमित लिखा और आपको प्रेस करना है एंटर, अब यहाँ सुमित आ गया। अब आप सुमित पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे यहाँ ऊपर टैब में डाटा वाली में। डाटा टैब में जाने के बाद आप जाओगे डाटा टूल्स में इस जगह, और यहाँ आपको मिलेगा फ्लैश फिल। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ये देखिए सारे नाम अपने आप इसने रिकॉग्नाइज करे और फिल कर दिए हैं। हमारे बस एक नाम फिल करने से, मतलब हमने फर्स्ट नाम फिल करा था, उसके बाद आपको क्लिक करना है फ्लैश फिल पे और आपके अनदर नेम्स अपने आप फिल हो जाएंगे। एक्सेल अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा कि हम क्या चाहते हैं करना। तो इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको अब बताता हूँ लास्ट नेम में। तो जैसे ही आप लास्ट नेम में फर्स्ट क्लिक करोगे और लिखोगे कुमार, और आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ही ये एक्टिवेट होता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा अभी डाटा टैब में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अब हमें फाइनलाइज करना है एंटर मार के। जैसे ही हम एंटर मारेंगे ये डाटा टैब हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप दोबारा यहाँ जाओगे कुमार पे, और अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ई। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये फ्लैश फिल हमारा दोबारा ऑटो फिल कर देगा सारी चीज़ें। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। आप ऐसे भी जा सकते हो या आप माउस यूज़ करके भी फ्लैश फिल पे जा सकते हो, जिससे हमारा काम हो जाता है बिल्कुल ईजी। अब 5000 10000 चीज़ें होंगी तो हमारा ये जल्दी से फिल कर देगा विद इन अ सेकेंड्स। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमारे फॉर्मूला बार में यहाँ नाम ही आ रहा है। मैं कहीं पे भी क्लिक करूं, क्योंकि ये चीज़ मैन्युअली एंटर हुई है, तो इसलिए अगर यहाँ कुछ भी चीज़ हम चेंज करते हैं नेम्स में, जो पूरा नेम है हमारा, अगर हम कुछ भी चीज़ चेंज करते हैं तो हमारा यह लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको वो चीज़ मैन्युअली एंटर करनी पड़ेगी। आप ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप यहाँ कुछ चेंज करते हो इनके मेन नेम्स में, तो आपको दोबारा यहाँ फ्लैश फिल यूज़ करना होगा जिससे डाटा फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। आई होप आपको फ्लैश फिल का यूज़ समझ आ गया होगा, इसका शॉर्टकट भी समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लैश फिल का यूज़ होता है डाटा को सेपरेट करना। अब सेपरेट से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें नेम्स के सिर्फ फर्स्ट लेटर चाहिए, तो जैसे कि मैं टाइप करता हूँ यहाँ एस। एस टाइप करने के बाद प्रेस करता हूँ एंटर। अब इसके बाद आप कंट्रोल प्लस ई जैसे ही टाइप करोगे, ये देखिए नेम्स के फर्स्ट लेटर हमारे सामने आ गए हैं। तो देखिए इस तरह से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हो। आप जिस तरह से सेपरेट करना चाहो उस तरह से डाटा को सेपरेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज वाली लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा एक्सेल की जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता दूँगा जिससे आप हो जाओगे बिल्कुल परफेक्ट एक्सेल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।